जो eins ist richtig, zwei ist falsch. They don't talk about family directly. They talk indirectly. But in first, the gap is maintained till elbow. Yeah. So den Handgelenk Kulturen gehören zu Russland, China und Frankreich. Richtig. Das sind die Länder und auch andere. Also unter anderen means there are also many more. Großen körperlichen Abstand empfindet man in Fingerspitzenstart starten als unangenehm. Falsch. Drei war richtig, aber zwei und vier sind falsch. Because इसका मतलब यह है कि जो बॉडी का गैप जो है वो unangenehm असहज मानते हैं. नहीं, वो तो सहज मानते हैं, तो गैप मेंटेन करते हैं जानबूझ के. In allen Kulturen hört man gerne Komplimente über regionale Sehenswürdigkeiten. Richtig. So about monuments, people like to talk. Das ist normal. Und dann hier auf Seite 135 wurde verwendet. Probleme haben Jen bekommen, lösen, schaffen. Multiple. Ja. Yeah. So markieren Sie manchmal gibt es eigentlich mehrere Optionen. Aber Probleme bekommen haben Sie gesehen. So आपने bekommen देखा. Abstand. Betragen. Regeln. Gelten. To be valid. आप कोई बोले कि बाकी के नहीं हो सकते क्या? हो सकते हैं, कई सारे हो सकते हैं. रेगेलन हाबन भी हो सकता है, रेगेलन कैनन भी हो सकता है. आई नो द रूल्स एंड रेगुलेशन, कोई कह सकता है, बट यहां पे ये यूज किया था. फोराउसेट्सुंग जाइन. फोराउसेट्सुंग का मतलब होता है प्री कंडीशन, प्री शर्त. कोई बोले डिस्को में जाना है तो पार्टनर को लाना ही होगा. सो ये प्री कंडीशन है. जिसके पास पार्टनर नहीं है वो नहीं जा सकता डिस्को में, राइट? सो जाइन है इसके साथ. कॉम्प्लीमेंट है गैर्न ह्यूरन. गैर्न ह्यूरन, ओके. जो स्टेस कॉम्प्लीमेंट है गैर्न ह्यूरन. उन दन हियर एंटोनिम उन परजोनलिश अजु गिडन टाइल उन परजोनलिश उन Gegen Teil, Opposite, Persönlich, Unwichtig, Direkt, Unangenehm, Angenehm. अब देखो ये वर्ड अंगनेम है, लेकिन इसको आपको बार बार बोल के देखना है. ये अंडरस्टूड नहीं है हमारे लिए इस तरह के वर्ड बोलना. अंगनेम, unangenehm, इनको बोल बोल के देखना है. बोल बोल के देखोगे तब ये टाइम पे आपका साथ दे पाएंगे. Unprofessionell, professionell, okay. Schlecht, gut, früh, spät, unpassend, passend. What is passend? Fit, yeah, geeignet, suitable, passend. यूज करके बताओ एक सेंटेंस में पासेंट को. दिस इज ए सुटेबल टॉपिक, कैसे बोलोगे? दास इस्ट मैं तो ये देख रहा था एडजेक्टिव एंडिंग भी लगाओगे क्या. या गिनाओ व्हेन जी एडजेक्टिव नेमन दैट मिशन जी आउट एडजेक्टिव एंडिंग दास इस्ट आई एम पासेंट दिस थीमा. Das ist passendes Thema. Ja. Direkt. Indirekt. Ja. Und hier auch P1. Wenn Sie sagen, das ist passendes Thema, das ist P1. P1 und P2, verstehen Sie schon? Also wo ist hier P1? Wir sollten das markieren. Partizip 1. Aufguck, kann ich reißen.
Heinz. Belender. The verb is belen. ये बेलन वो वाला बेलन नहीं है, ओके? ये बेलन है भोंकना, बेलन. सो डी लगाया तो एडजेक्टिव बन गया, और एडजेक्टिव बनता है वर्ब के डी लगने से, उसी को पेयाइंस बोलते हैं. वो एडजेक्टिव बन गया तो उसके बाद में कोई ना कोई एंडिंग भी लगेगी बिकॉज ऑफ द नाउन. सो यहाँ पे प्लूराल. सो बेलेंड है, हुंड है, बाइसनिस, भोंकने वाले काटते नहीं, ओके. स्वाई हियर राउखेंडम. सो हियर विच काइंड ऑफ एंडिंग, कौन से रूल से लग रही एंडिंग, ये भी देख लेते हैं. Genitive, yeah. Genitive, bestive, yeah. और सिंगुलर है कि प्लूरल है? प्लूरल. तभी तो ढेर आया. हियर Trowerender, man. Trowerender, man. Geet knocked him toad, Janet Frau, mid dim rat of well rise. अलग ही आदमी है, दुखी आदमी. अपनी पत्नी की मौत के बाद में साइकिल से वर्ल्ड टूर पे निकल गया. Trowerender, man. या वरुणिष्ठ स्म्योग्लिश चतुर्विश. Jackson, thousand loifer und loiferinnen. Started by Brenander Hitze, Zupa Marathon. So here, Brenander. ये किस टाइप की एंडिंग है? Dative and feminine. And here, nominative. मैस्कुलिन, ओके. ऑन एफ या ट्राउरिश, सैड मैन. एंड हियर ऑल्सो जिंदन डेर फोगल. तो क्या बना सकते हैं अपन? गाता हुआ पक्षी. कैसे बोलोगे? पक्षी जो अभी गा रहा है. सो एंडिंग क्या लग सकती है पेयाइंस बनाना हो तो? Zingender, राइट. जिंगन, इसमें तो क्या हुआ, इसको एक साथ ही कर दो, उसी से काम हो गया. जिंगेंडर, क्योंकि ये डे तो वैसे भी लगाना था अपन को, फिर ई आर भी हो गया. जिंगेंडर फोगल. स्वाई डी लगेगा एंड देन ईएस. क्लिंगेंडस हैंडी, बजता हुआ फोन, वो फोन जो बज रहा है. Fahrendes Auto. Schlafen. डी प्लूरल के कारण ई लगा रहे हैं हम लोग, और ली तो हर बार लगाना ही है हमको. तानसेन डी लगा के ई एस. तानसेनडेस पार, नाचता हुआ कपल. कोखन मतलब उबलता हुआ पानी. कोखंडस वासर, इश्ब्राउक है कोखंडस वासर. ये सही है क्या? इश्ब्राउक है कोखंडस वासर. हाँ सही है, ओके. कोखंडस वासर. वो भी सही है, किसी को उबलता हुआ चाहिए, किसी को उबला हुआ चाहिए. हाँ ठीक है. या गेकोक्ट मिल्श, कोखेंड मिल्श. दस इज सम योरन अबर वी हैव इन दस दिमाग्ड दन दस, ओके. दस जोल्टन जी आर्गेंटलिस अल्स हाउस ऑफ गाबन नेमन वरुण दामिट जी अजो फ्लैश बिडांगन मखन क्यों. ये कुछ आपको ह्यूरिन में दिक्कत आई, वो करते हैं हम लोग, बिकॉज अभी बताने से बाकी लोग सोच नहीं पाएंगे. आपको सोचना है कि ये डायलॉग है, डायलॉग में भी
ऊपर वाले डायलॉग किसी एक के हैं, ये डायलॉग किसी एक के हैं, ये डायलॉग किसी दूसरे के हैं। तो एक बार इधर से, एक बार उधर से, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, तो ये चार है, तो देखो इधर ही आया चार, क्योंकि इसने स्टार्ट कर चुक कर दिया ना ऑलरेडी। तो एक बार इधर से, एक बार इधर से, लेकिन आपको खुद सोचना है कि कौन सा मीनिंग समझ के, ठीक है। तो दस धन हाउस का पे एनिमल ऑन हियर आउक दस क्यों यस डिस्कुटियरन अबर एस्केप नो खाना हाउस ऑफ गाबे हियर दस जोल्टन जी आउक आज हाउस ऑफ गाबे नेमन जाइटा आई हंड्रेड जीवन ऑन फियरसेस ट्रेनिंग सर्टिफिकेट ट्रेनिंग ये दो होमवर्क हैं। इस दस क्लार ये नेमन दस यस दी क्रिटिश जितवत श्योर इसलिए हाउस ऑफ गाबे शुन क्लार Chauffeur, dear, get us good. Yeah. So, what is the problem here? Man sagt, du glaubst nicht, was mir passiert ist. You won't believe, mere saath kya hua? Da, chunki. Da ka matlab chunki hota hai. As you know, jaisa ki tumko pata hi hai. Chunki ka matlab wohi hai ki, it's understood, tumko pata hi hai. Jaise ki, is the ghanse book hai, Nee for I am Francis were so how they been. During the week I am only late night free. Till 9 o'clock I am busy with my work. I come late. Konnte ich erst am Sonntag die Regale in der neuen Wohnung aufstellen. Aufstellen. Nee, ghar mein main bilkul regale fix karne the. Jo bhi hai. Regal. Das regal. Self. जैसे बुक सेल्फ है या दूसरे फिट करने वाले जो भी सेल्फ हैं इंडियर नॉइन वोनुम ये डाटिव में देखो ये नहीं लेता है एडजेक्टिव एंड ऑफ्टन इट हैड शोन ड्राई रिगॉल ऑन द वन मोंट्रियट मैंने तीन को तो ऑलरेडी फिक्स कर दिया था उन गिंग इन द गैराज है और आई वेंट टू गैरेज उम आइन अंदरस रिगॉल सु होलन एक और रिगॉल लाने के लिए माई नाक बार काम उन जाट है मेरे पड़ोसी ने आके मुझे क्या कहा दस एंडलिश आई ना एंड हैवन मूव्स ये बंद करना चाहिए आपको अब दस इज या आई ना फ्रेश हाइट आ जाते हैं कहीं से उठ उठ के फ्रेश हाइट ये तो बहुत ही मूर्खता वाली बात है नटखटपन तो पॉजिटिव ले लेते हैं अपन और उसको फ्रेश हाइट गुस्से में कोई बोलेगा तो क्या मूर्खता की बात है ये जाते एयर वॉस हाउ बिश फॉल्स के मां मैंने क्या गलत किया वॉस माइंड टू Ich hoffe, dir geht es gut. Viele liebe Grüße. So, hier. Inmein se koi answer hai. In Deutschland, lässt man solche Arbeiten meistens von Handwerkern erledigen. Ya to ye reason ho sakta hai ki bhai Germany mein is tarah ke kaam koi khud nahi karta. Jo handwerker hote hain, unse karwate hain. In Deutschland, werden Wohnungen mobiliert permitted.
जनरली लोग फर्निश्ड घर ही किराए पे देते हैं, मान हैंड खाना आई दिन रेगाल आ डिमांड, लोग खुद अपना नहीं लगाते, ये रेगाल जो ये लगा रहा है। इन डॉयचलैंड डार्फ मान अन जोंटागन खाइन एन लैर माखन, संडेज को कोई शोर शराबा पसंद नहीं है उनको, डास स्टेट इन गेजेट, ये कानून में भी लिखा हुआ है। देर नाखबार खान जहरा आइनफाक निश्ट लाइडन, उसको जहरा पसंद नहीं है तो उसको इसलिए परेशान करना ही है। व्हाट यू थिंक, व्हाट मे बी द राइट आंसर? द राई या गाइस द अनफोर्ट बिकॉज संडे इज पीस डे रूल टाग, यू आर नॉट अलाउड टू मेक नॉइस ऑन संडे एंड इट्स रिटन इन द लो। डन हियर लेसन सी द रेड मेटल ऑन क्रोइसन सी द वेरियंट ऑन द मादा इन ईयर अनफोर्ट ईमेल ऑन जारा फॉर विंडन जोल्टर ऑन रेड जेर गेट जारा लीव ए जारा। आपको क्या लगता है, जैसे ये तो जारा ने लिखा था, मागदा को जिसको लिखते हैं उसका नाम ऊपर आता है और जो लिखता है उसका नीचे आता है, तो ये तो जारा ने लिखा था। अब जब वो मागदा आंसर देगी, सपोज मागदा आंसर देगी, तो कौन सा सही है इसमें से? लीव ए जारा, बिकॉज इनफॉर्मल लेटर है ये। ये लेटर आपको अपनी कॉपी में लिखना चाहिए, इनफॉर्मल लेटर है ये। इनफॉर्मल लेटर में जेयर गेट नहीं करते, वो फॉर्मल में होता है, जिसको आप जानते नहीं उसको लिख रहे हो, या फिर कोई भी पर्सन को बहुत रेस्पेक्ट देना है आपको, तब जेयर गेट फॉर्मल है। और इस केस में लीव जारा होगा क्योंकि वो तो फ्रेंड है, इसलिए रेस्पेक्टेड। जेयर गेट का मतलब होता है रेस्पेक्टेड। कभी कभी आप ऐसे मतलब किसी ऑफिस को लिखते हो, आपको ये भी नहीं पता कौन वहां पे उस लेटर को पढ़ेगा, मेल को पढ़ेगा, तो आप बोलते हो जेयर गेट दामन उन हेरन, जेयर गेट दामन उन हेरन, इसका मतलब होता है रेस्पेक्टेड सर मैडम। क्योंकि आपको तो पता ही नहीं कि सर ओपन करेंगे या मैडम ओपन करेगी, आपको तो आइडिया ही नहीं है। जब आपको पता ही नहीं हो, इस केस में मान लो कि जारा को तो जानते ही हो आप, अगर रेस्पेक्टफुल पर्सन है, बहुत रेस्पेक्ट देना है आपको, कभी टीचर को लिखा, कभी किसी ऑफिस को लिखा, और आपको पता है कि यहाँ पे तो दिनेश जी बैठते हैं, तो आप जेयर गेयर करोगे उस केस में, मतलब रेस्पेक्टफुल पर्सन, रेस्पेक्ट देना है और आप जानते हो कि मेल पर्सन है, तो आप कर दोगे जेयर गेयर दिनेश शर्मा, या फिर जेयर गेट हेयर शर्मा। जेयर गेट दिनेश मत कर देना, दिनेश मत कर देना, फर्स्ट नेम नहीं करते हैं, या तो हेयर शर्मा हेयर के साथ लास्ट नेम, या फिर जेयर गेट हेयर दिनेश शर्मा, ऐसे। जब आपको पता है कि ये मैस्कुलिन है, जब ये पता है कि ये फेमिनिन है, तो जेयर गेट फ्राउ डालमिया, जेयर गेट फ्राउ शर्मा, जेयर गेट फ्राउ सिखावत। तो जब आपको पता है तो आप डायरेक्ट वो नाम लिखते हो, सरनेम लिखते हो, और सरनेम से पहले फ्राउ ये लिखना अपन को। यहां पे पता था जारा फेमिनिन है इसलिए जेयर गेट किया, यहां पे आपको पता नहीं कौन उठाएगा आपका, कौन पढ़ेगा आपके मेल को। नेक्स्ट वाला आई लाइट हूं, आप स्टार्ट करते हो लेटर, तो उसको कैसे स्टार्ट करेगी वो? फिर से पल के बताओ, डंक बोला या डंक है, डंक मारा या डंक? डाइम वाला आएगा, यस ये वाला आएगा, क्योंकि इनफॉर्मल चल रहा है, इनफॉर्मल ये फॉर्मल हो जाएगा ऊपर वाला। ऐसे ही यहां पे ये फॉर्मल है, लेकिन हमको तो इनफॉर्मल करना है। फिर एंड डंक, कई लोग क्या करते हैं, गलती से डंक के कर देते हैं, वो गड़बड़ हो जाता है। ये डंक तो नाउन है, मैन फिल एंड डंक फ्योर डाइन एंड ब्रीफ हॉप टाइल
स्टार्ट करोगे मेन बॉडी ऑफ द लेटर, फिर क्या बोलोगे? स्टेंके डू, इनफॉर्मल में हर बार डू चलेगा, इनफॉर्मल। और आन ईयर आपकी जगह मैं तो ऐसे करता, तो आन ईयर स्टेल है, ये फॉर्मल है। अपश्लूस क्लोजिंग होती है जब लेटर की, तो आप क्या बोलोगे? फील ए ग्रुश या मिड फ्रंडलिशन ग्रुश? फील ए ग्रुश इनफॉर्मल सेकंड फॉर्म। यस दिस इज इनफॉर्मल, इनफॉर्मल। ये चीजें भी आप लिख लो ले, मिड फ्रंडलिशन ग्रुश और उंटर शिफ्ट लास्ट में नाम लिखते हैं अपना, वहां क्या लिखना है उसको इनफॉर्मल में? मागदा, सीधा अपना नाम, अपने नाम में भी केवल फर्स्ट नेम मागदा देव, और ईरे मागदा भी अपना, अगर फॉर्मल हो तो पूरा और रेस्पेक्ट के साथ। ये ब्रीफ या ईमेल हम लोग लिखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार ये स्ट्रक्चर आपको काम में लेना पड़ेगा, सो अपनी कॉपी में उतार लो।